आइकन टू नेवर मिस एनी अपडेट। मुझे शुरू से ही अच्छा लगता था कि मैं उन बच्चों में रहूंगी जिनके मदर फादर नहीं होते, जो ऐसे बड़े अपनी लाइफ को बड़े सफ़र करते हैं लाइफ में, तो उन बच्चों में मैं रहूंगी। कुछ मेरा फ्रेंडली सर्कल भी ऐसा था कि वो हमने मन से ये भी सोचा था कि जब हम बड़े होंगे हम सेवा ही करेंगे। After God, a mother is the most honored and respected person in this world. Today, we tell you about a mother who has not given birth to children but has given life to hundreds of them. This is B.B. Prakash Kaur, who did not plan a family of her own, but she is a part of a big family today. She has spent her entire life helping girls who were abandoned by her parents. B.B. Kaur from Jalandhar, Punjab is a mother of hundreds of children. जो भी लोग मर्जी कहें, पर जो भगवान ही सेवा ले रहे हैं तो भगवान ही कर रहे हैं, भगवान ही हमें सद्बुद्धि दे रहे हैं, तो वो उनके हुक्म में सब कुछ हो रहा है। जो भगवान ने सेवा ली है जी, गुरु नानक साहब ने सेवा ली है इन बच्चों की। मुझे शुरू से ही अच्छा लगता था कि मैं उन बच्चों में रहूंगी जिनके मदर फादर नहीं होते, जो ऐसे बड़े अपनी लाइफ को बड़े सफ़र करते हैं लाइफ में, तो उन बच्चों में मैं रहूंगी। कुछ मेरा फ्रेंडली सर्कल भी ऐसा था कि वो हमने मन से ये भी सोचा था कि जब हम बड़े होंगे हम सेवा ही करेंगे। बीबी प्रकाश कौर इज फॉन्डली कॉल्ड मदर होप एंड इज अ मदर टू मेनी। शी हैज अडॉप्टेड मेनी ऑर्फन चिल्ड्रन सिंस 1993। She adopted those children who were abandoned in garbage dumps, roads, etc. Prakash Kaur's house has welcomed orphan girl children ever since. पहले मैं एक संस्था में सेवा करती थी, बहुत साल वहाँ पे मैंने सेवा की, तो जब मैंने देखा कि जो ये लोग कहते कुछ हैं तो और अंदर से कुछ है, तो मैं देखती रही भी जहाँ पे सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बट लास्ट में मैंने फिर मैं सोचा नहीं ये भी ठीक नहीं है। मैंने उनको बोल दिया, संस्था वालों को, कि ऐसा नहीं होगा, तो फिर बहुत बवाल मचा, फिर तो मैं बता नहीं सकती कैसा बवाल मचा। तो उस टाइम मेरे पास एडमिनिस्ट्रेशन बोलने लगी कि तुम यहाँ से जा सकते हो जा सकते हो। बच्चे फिर वो जो बड़े थे जो समझते थे वो चीखने लगे कि जहाँ मम्मा जाएंगे हम इनके पास जाएंगे, मम्मा के साथ जाएंगे मम्मा के साथ जाएंगे। तो वो उस टाइम मेरे साथ, मेरे पास 10-11 बच्ची थी, तो मुझे नहीं मालूम था कहाँ जाना कैसे रहना, जो तो माइंड में कुछ नहीं। After facing a lot of difficulties, she then took the help of her friends and built a house for the girls. She named it Unique Home. B.B. Prakash Kaur herself was abandoned on the streets by her parents. From helping the girls to study to getting them married, Prakash Kaur takes care of everything. Despite all the struggles, she has become a mother and given a life to many girls, becoming an inspiration to many.